हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम जो है एचपी टेट नवंबर में जो अभी होने वाला है केमिस्ट्री के ऊपर, आपके लिए जो 120 क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है एक वीडियो कॉल अपलोड हो चुकी है जिसमें जो है हमने 40 क्वेश्चन पढ़े। आज जो है हम 40 से आगे अगेन 40 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। आइए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। या तो आप एक चीज मैं आपको बता दूं, या तो आप इन्हें जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको जो है इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप के नंबर के मैसेज कर सकते हैं, वहां पर जो है आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पीडीएफ के लिए जो है आपको थोड़ा सा अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। हमारा जो 41 क्वेश्चन है और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंगल एक्सपेक्टेड फॉर एचओएच इन एचटूओ। एचटूओ में जो है, जो एचओएच हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कितना एक्सपेक्टेड किया गया है। तो कई बार ऑप्शन में जो है ऐसे भी दिया गया होता है, जैसे लेस देन 109 डिग्री बट ओवर 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से बड़ा और 109 डिग्री से छोटा। ठीक है, इस तरीके से भी जो है कई बार ऑप्शन में दे दिया गया होता है, तो आपने इसे सिलेक्ट करना है। वैसे एग्जैक्ट जो है 104.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 104.5 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ CLF3 मॉलिक्यूल विच हैज थ्री सिंगल बॉन्ड एंड टू लोन पेयर बॉन्ड। तो इसकी जो शेप कैसे होती है, इसकी शेप होती है टी शेप। यहां पर आप देख सकते हैं यह जो है CLF3 की शेप है। यह क्वेश्चन अभी रिसेंट जो एचपी डेट हुआ था उसमें पूछा गया था। कैटलिस्ट टू वर्क, कैटलिस्ट का क्या काम होता है? कैटलिस्ट का काम वैसे बहुत सारा होता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो एक मेन काम होता है वो होता है डिक्रीज द एक्टिवेशन वैल्यू। ये एक्टिवेशन वैल्यू को क्या है, डिक्रीज करता है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ गे-लुसैक्स लॉ डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। जो गे-लुसैक्स लॉ है, जो बिहेवियर अमाउंट ऑफ गैस का, बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस करता है, तो क्या डिस्क्राइब करता है? एज टेम्परेचर इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। गे-लुसैक्स लॉ क्या बोलता है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा। ठीक है, डाइप्रोटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जो है डाइप्रोटिक एसिड का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, अब ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड इज ए सब्सटेंस। ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सोल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, उन सब्सटेंस को जो है ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाटर एंड H2SO4 कैन आइदर एक्सेप्ट प्रोटोन और डोनेट प्रोटोन, सच सब्सटेंस इज कॉल्ड। ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं और कई बार डोनेट करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को जो है एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, कैसा सब्सटेंस? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से जो है टेट का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोटासलम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर ऑफ, जो पोटासलम होता है वो किसके मिक्सचर से बनता है? K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस। याद रखिएगा, किससे? K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैटायन मूव्स। जब अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से पास करें, ठीक है, तो जो कैटायन होंगे वो किस तरफ जो है मूव करेंगे? टुवार्ड कैथोड विद स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ द एनायन। तो वे किस तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और उनकी जो स्पीड है वो इंडिपेंडेंट होगी किसके? एनायन के। क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरिसोल। क्लाउड किसका एग्जाम्पल है? एरिसोल। एयर प्लस वाटर, जहां पर एयर का वर्ड आएगा, ठीक है, जैसे क्लाउड है या एयर का वर्ड आएगा जहां पर भी, तो उसका यूज किया जाता है एज ए एरो के रूप में, AERO। इसलिए क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एयर प्लस वाटर, जिसे एरोसोल कहा जाता है। मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबड़, मोनोमर यूनिट कौन है नेचुरल रबड़ की? आइसोप्रीन। सिंथेटिक रबड़, द मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबड़ इज आइसोप्रीन एंड सिंथेटिक रबड़ इज नियोप्रीन। रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ, जो रेट होता है ओवरऑल रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, द लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी आर फाउंड इन, जो लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो किस में फाउंड की जाती है? और लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? ऐसी इंथैल्पी मतलब एनर्जी टू लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। तो ठीक है, अल्कली मेटल में जो पाई जाती है सबसे ज्यादा लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज कर देते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है और ये इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देते हैं, तो लो आयनाइजेशन इंथैल्पी आर फाउंड इन अल्कली मेटल। क्वेश्चन नंबर 55 है,
मोनोसेक्राइड यूनिट आर लिंक्ड टू ईच अदर इन पॉलीसेक्राइड बाय, मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर इन पॉलीसेक्राइड्स बाय ग्लाइकोस्टिक लिंकेज, किस लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं, ग्लाइकोस्टिक लिंकेज। कैटेनेशन कैपेसिटी इज हायर इन कार्बन, और कैटेनेशन कैपेसिटी क्या होती है, कैटेनेशन होता है बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी, लिंकेज कैपेसिटी, तो सबसे ज्यादा लिंकेज कैपेसिटी किसकी होती है, कार्बन की, तो हाइएस्ट कैटेनेशन कैपेसिटी इज हायर इन कार्बन। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट आर प्रेफर ओवर सोप, जो डिटर्जेंट है उन्हें साबुन के ऊपर प्रेफर किया जाता है कपड़े धोने के लिए, ऐसा क्यों, इसलिए बिकॉज दे वर्क इवन इन हार्ड वाटर, जो डिटर्जेंट होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ भी जो है काम करते हैं। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर एंड 10^-6 mm। द एटम 6C13 एंड 7 एंड 14 कैन बी डिस्क्राइब्ड, ये एटम क्या है, ऑप्शन में आपके पास दिए गए होंगे आइसोबार, आइसोटोन्स, ओके, तो आपने देखना है कई बार इस तरह का जनरली जो एग्जाम्पल आता है, ठीक है, तो आपने जो है 13 से 6 माइनस करना है, 14 से 7 माइनस करना, अगर ये बराबर आते हैं, जैसे मान लीजिए 7 आ गया तो ये क्या है, आइसोटोन्स हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड रीलिंग, कल भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क फाइबर फ्रॉम कोकून है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीलिंग कहा जाता है। द कंजुगेट एसिड ऑफ HSO4- इज SO4-, कंजुगेट एसिड ऑफ HSO4- क्या है, SO4-। इन फायर एक्सटिंग्यूशर वी यूज्ड, फायर एक्सटिंग्यूशर में क्या क्या यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, और दूसरा किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3 का। क्लोरोफिल कंटेन मेटल, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, किसमें, क्लोरोफिल में। प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एसिड एंड बेस कॉल्ड, प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है, ठीक है। प्रोपाइलीन इज ए मोनोमर, यह जो आपके पास यहां पर जो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इज ए मोनोमर, हिज पॉलीमर इज, इसका जो ये मोनोमर है तो इसका पॉलीमर क्या है, इसका पॉलीमर है प्रोपाइलीन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट आयनिक, जो ऑप्शन दिए गए हैं MnO, MnO2O7, P2O5 एंड Cr3, इनमें जो मोस्ट आयनिक कौन है, तो MnO जो है सबसे ज्यादा आयनिक है। ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम होता है किसके साथ, सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, इक्विलिब्रियम किस, लिक्विड सॉल्वेंट का इसके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, सॉलिड सॉल्वेंट के साथ। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको जो है इन वीडियो की जितनी भी वीडियो मैं टैट के ऊपर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो PDF चाहिए, तो आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप का नंबर हमारे अबाउट सेक्शन में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पर जो है PDF प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, उसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन है या तो आप इन्हें लिख लीजिए या मेरी वीडियो से ही पढ़िए, 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको जो है याद हो जाएगा, और आप देखोगे जब आप टैट का एग्जाम दोगे तो आप देखोगे कि यहां से जो है कितने क्वेश्चन बनते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, जो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां की तरफ होता है, तो कैथोड टू एनोड होता है इन ए सोल्यूशन, कहां से कहां की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ होता है। कोगुलेशन पावर, कोगुलेशन पावर क्या होती है, सिंपल आपने ध्यान रखना है, ग्रेटर चार्ज ग्रेटर विल बी द कोगुलेशन पावर, जिसका चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर विल बी द चार्ज ग्रेटर विल बी कोगुलेशन पावर, तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी ज्यादा कोगुलेशन पावर होगी। तो यहां पर देखिए एल्यूमिनियम 3+, Mg2+, Na+, तो सबसे ज्यादा चार्ज जो है एल्यूमिनियम के ऊपर है, इसलिए इसकी कोगुलेशन पावर जो है सबसे ज्यादा है। और यह क्वेश्चन भी देखिए 72 क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप हर एक एग्जाम उठा दिए ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, देखिए Bi3 की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आता है BbR3, फिर आता है BcL3, और सबसे कम जो स्टिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है Bf3 की, किसकी होती है, Bf3 की, ठीक है, आप ध्यान से देखिए Bi3 की सबसे ज्यादा स्टिक स्ट्रेंथ होती है, फिर BbR3, फिर BcL3, और सबसे लास्ट में आता है Bf3, ठीक है। कार्बोलाइम टेस्ट इज गिवन बाय, जो कार्बोलाइम टेस्ट होता है वो गिवन बाय होता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अगला क्वेश्चन देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है एक नॉन मेटल है और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज, जो
कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है। मोलैरिटी, मोलैरिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। जी हाँ, मोलैरिटी जो है, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा, मोलैरिटी और मोलैलिटी में जो है, जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। Bi3 इज ए स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, जो Bi3 है वो स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो है, किस गैस का जो लीकेज हुई थी, कौन सी गैस थी, वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। और लास्ट टाइम जो है, इसी का यह फार्मूला एग्जाम में पूछा गया था, CH3 सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। आप देख सकते हैं इसका यह जो केमिकल फार्मूला है, यह भी आपको आना चाहिए एग्जाम में। इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ATP मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन, जो ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP की जो मॉलिक्यूल है वो क्या डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं करते, गुआइनिन, तो को जो है ये कंटेन नहीं करते। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहा जाता है, विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।